मेरे बिजनेस का ऑलमोस्ट 25 लाख्स का नुकसान होते होते बच गया बिकॉज ऑफ दिस कंपनी डिलीवरी। डिलीवरी इंडिया की बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है और इनका बहुत ही जल्द IPO भी आने वाला है। इनका एक एड क्रिएटिव मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया था जहां पर इनका मार्केटिंग टैगलाइन कुछ इस तरह है, हैंडल हायर वॉल्यूम्स विथ जीरो स्ट्रेस, ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री प्लेसमेंट, एंड टू एंड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, हैसल फ्री वेयर हाउसिंग। और इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो इनके इस एड क्रिएटिव में बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, जो इन्हीं की टीम ने बनाया होगा किसी दिन, ये सारा सब कुछ फेक है और ये कंपनी अंदर से एकदम खोखली यानी कि हॉलो है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई वॉन्ट टू शेयर दिस वेरी ब्रूटल, पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग, दर्दनायक एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी विथ माई पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड लेट मी ओपन योर आइज एंड टेल यू एग्जैक्टली वॉट इज दिस कंपनी ट्राइंग टू डू एंड वेयर इज दिस कंपनी फेलिंग। ऑलराइट, सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा नाम है ऋषि राज और ये है मेरा चैनल इंडिया मान। एंड इस चैनल पर मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया से एक्सपैंड कर सकते हो US मार्केट में, या फिर अगर आप एक ई कॉमर्स एंथुजियास्ट हो और अगर आपको Amazon FBA पे अपना बिजनेस लॉन्च करना है, मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप Amazon USA में अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में दिलचस्पी है तो बाकी वीडियो ज़रूर देख लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन टीच योर सेल्फ हाउ टू डू दिस एंड यू कैन इवन गेट कनेक्टेड विथ मी इन द फ्यूचर। ऑलराइट, सो मुद्दे की बात पे आते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों के अंदर क्या हुआ, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस विद डिलीवरी, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड एवरीथिंग देर इज टू नो, सो दैट आपकी आंखें खुल जाए। और अगर आप डिलीवरी को यूज करने वाले हो या फिर आगे चलकर बड़े ऑर्डर के लिए यूज करना चाहते हो तो आप केयरफुली एंड कॉशियसली ये डिसीजन ले पाओ। ऑलराइट, सो अभी मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसे स्टेज में हूँ जहां पर मुझे एयर शिपमेंट्स को छोड़कर ओशन शिपमेंट्स पे मूव करना पड़ रहा है सो दैट आई कैन ऑप्टिमाइज माई कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट। एयर शिपमेंट्स के कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑयल प्राइसेस, एज यू ऑल ऑलरेडी नो। इसलिए हम ओशन शिपमेंट की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और मेरा पहला ओशन शिपमेंट जाने वाला है अब 5 मई को फ्रॉम इंडिया टू USA टू द Amazon FBA वेयर हाउस। राइट, तो इसी के अराउंड पूरा पिक्चर शुरू होता है, पूरी स्टोरी शुरू होती है और बेसिकली ये शुरू होती है दिल्ली से। मेरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है दिल्ली में और इंडिया से जो मैक्सिमम ओशन शिपमेंट्स जाते हैं वो जाते हैं मुंबई पोर्ट से, जिसको जिसका नाम है नवा सेवा पोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली मैंने एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के साथ टाइप कर रखा है, जो मेरा शिपमेंट फ्रॉम मुंबई पोर्ट, दे आर गोइंग टू बी शिपिंग दिस टू द US पोर्ट एंड इन टू द Amazon FBA वेयर हाउस। राइट, वहां से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। बट दिल्ली से मुंबई लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मुझे ये फिगर आउट करना था कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को फ्रॉम दिल्ली वेयर हाउस मुंबई एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचाऊँ। राइट, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे। ऑब्वियसली लोकल ट्रांसपोर्ट भी ऑप्शन होता है, जो लोकल ट्रकर्स होते हैं जो ट्रक में सामान लोड करके फ्रॉम सिटी टू सिटी पहुँचाते हैं। नाउ दैट वॉज वन ऑप्शन, इट वॉज द चीपेस्ट ऑप्शन। आई थिंक 13 रुपीज़ पर किलो में आपका काम हो सकता है। एंड मेरा जो शिपमेंट है वो है ऑलमोस्ट 700 किलोज़ का, उसके बारे में मैं आपको जल्दी बताता हूँ। राइट, तो बेसिकली ये बड़ा सा शिपमेंट था और मुझे ये फिगर आउट करना था कि ये मैं कैसे सेफली मुंबई पोर्ट तक पहुँचाऊँ, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स मैं भेजता हूँ वो बहुत ही प्रीमियम है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं एंड हमारे पैकेजिंग और ब्रांडिंग में हमारा बहुत फोकस होता है। सो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से डैमेज हों, एंड देयरफॉर आई फिगर्ड कि मे बी वी मस्ट यूज डिलीवरी, बिकॉज डिलीवरी इज इंडियाज वन ऑफ बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी। उनका सब कुछ सॉर्टेड है, वो 10 से 12 साल से बिजनेस में हैं, तो ऑब्वियसली उनसे कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होगा। एंड दैट्स वाई आई रिक्वेस्टेड माई वर्कशॉप टू यूज डिलीवरी टू सेंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू द मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको अपने शिपमेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा शिपमेंट है ऑलमोस्ट 72 कार्टन्स का, एग्जैक्टली 72 कार्टन्स का। इसमें अबाउट 2000 यूनिट्स ऑफ माई प्रोडक्ट हैं जिनकी इन्वॉइस वैल्यू है 4 लाख रुपीज़, एंड जब ये मार्केट में मैं जाकर बेचूंगा US में, आई विल बी एबल टू जनरेट 25 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू फॉर माई US बिजनेस। राइट, विच इज ऑलमोस्ट 1/4 of a crore। तो आप ये समझ सकते हो, एज अ स्मॉल बिजनेस, एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू ग्रो हिज ब्रांड, ये बहुत ही बड़ा फिगर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है मेरे बिजनेस को।
राइट. तो ये एक छोटा मोटा शिपमेंट नहीं था, ये बड़ा शिपमेंट था, और ये बड़ा रिस्क था मेरे लिए भी, बिकॉज दिस इज माई वेरी फर्स्ट ओशन शिपमेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएस. पहले मैंने ओशन शिपमेंट्स किए हैं, बट फ्रॉम चाइना टू यूएस, और चाइना से यूएस ओशन शिपमेंट करना, सच बताऊं, बहुत ही ज़्यादा आसान है कंपेयर टू इंडिया टू यूएस. ऑलराइट, सो एनीवेज, वो सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो कहानी शुरू होती है अप्रैल 14, 3 PM को. डिलीवरी की गाड़ी आती है, उनके साथ हमने ऑलरेडी स्केड्यूल किया था. तो बेसिकली हमने इस पूरे शिपमेंट को एक एजेंट के थ्रू किया, बिकॉज मेरे वर्कशॉप के पास डिलीवरी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, उनके पोर्टल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था. तो उन्होंने एक एजेंट को यूज़ किया जिनका डिलीवरी से टाइप है, राइट. तो इन्होंने फिर स्केड्यूल कराया, डिलीवरी की गाड़ी आई, और हमारा प्रोडक्ट उन्होंने पूरा इन कंसाइनमेंट जो था वो पिक किया, लोड किया, और उसके अगेंस्ट हमें उन्होंने एक, ये इसको कहते हैं बिल्टी या समथिंग लाइक दैट, बेसिकली ये एक रिसीट दिया, राइट. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये था ऑलमोस्ट 700 किलोज का शिपमेंट फ्रॉम दिल्ली गांधीनगर टू मुंबई पोर्ट, विच इज़ पनवेल के अराउंड. वहाँ पे उनका जो वेयर हाउस है, वहाँ पर हमें ड्रॉप कराना था. 72 कार्टन्स थे, एंड दिस इज़ एज यू कैन टेल अ वेरी बिग शिपमेंट फॉर मी एंड माई बिजनेस, राइट. तो ये हुई 14th की बात. अब आगे बढ़कर यहाँ पर मेरे पास जो टेंटेटिव डिलीवरी डेट था वो था 19th का, कि 19th सैटरडे को मेरा जो पूरा इन्वेंट्री है वो हो जाएगा डिलीवर, राइट. तो मैं इनके ट्रैकिंग में, ऑब्वियसली ट्रैकर में जाकर अपनी डिलीवरी चेक कर रहा था, अपने अपडेट्स चेक कर रहा था कि कहाँ पहुँचा है शिपमेंट. तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, 14th अप्रैल को ये दिखा रहा है कि ये पिकअप हो गया है, एंड देन 15th को ये दिखा रहा था कि डिलीवरी फैसिलिटी ग्रेटर थाने के लिए ये निकल चुका है फ्रॉम दिल्ली, राइट. नाउ यहीं से इनका पूरा मेस शुरू होता है, राइट. तो अब क्या हुआ, इसके बाद मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिला फ्रॉम 15th टू 19th ऑन देयर ट्रैकर. ये जो ट्रैकर है इनका, ये जरा भी कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा था मुझे अंटिल 19th. एंड ऑन 19th, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा था कि 19th को हमारा शिपमेंट रीच होने वाला है, तो उनका मुझे मैसेज आने लग गया, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ द शिपमेंट इज डिलीवर्ड टू द लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस, राइट. तो वहां पर डिलीवर हुआ कि नहीं, तो मुझे ये पता नहीं था. अब बेसिकली यहां पर बात ये होती है कि ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, देवर ट्राइंग टू शिप माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑन द 21st इट्सेल्फ. तो अगर मेरे प्रोडक्ट और मेरा शिपमेंट फ्रॉम डिलीवरी 19th को सही वक्त पर डिलीवर हो जाता, तो 21st को मेरा जो पूरा कंसाइनमेंट है वो शिप में लोड कर दिया जाता और वो शिप निकल जाती, राइट. बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इनके तरफ से मुझे कोई भी अपडेट नहीं आया, और आई हैड टू कॉन्स्टेंटली आस्क माई वर्कशॉप वेयर हाउस, जिसके पास उस एजेंट का कॉन्टैक्ट था, कि भाई क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ, राइट. इसके बाद फिर एक दिन निकल जाता है, 20th को फिर से वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आज डिलीवर होने वाला है. मुझे उनको बताना पड़ा कि अभी भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ डिलीवरी. नाउ इस दौरान ऑब्वियसली मैं डिलीवरी की वेबसाइट पर जाकर कस्टमर सपोर्ट का नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं उनसे कोई भी कनेक्शन बना सकूं, बट उनके पूरे वेबसाइट पर, इतनी बड़ी कंपनी के वेबसाइट पर, कोई भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं है जो सीधा साधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन हो. जबकि मैंने DHL के साथ काम किया है इंटरनेशनल एयर शिपमेंट्स के लिए, और उनका कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट में मैं उनके सपोर्ट से कनेक्ट करके एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमेशा निकालने में सक्सेसफुल रहता हूं. तो यहां होती है बात 20th की. अब इसके बाद बिकॉज कुछ भी अपडेट नहीं आया मेरे पास अगले 2 दिन, तो मैंने बेसिकली ट्विटर पे जाके एक पोस्ट डाल दिया, और ये था मेरा ट्विटर पोस्ट, रिडिकुलस ऑपरेशंस ऑपरेशनल मैनेजमेंट बाय डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, क्रिटिकल इंटरनेशनल शिपमेंट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू मुंबई पोर्ट सिंस 19th, एंड वी हैव मिस्ड वन शिप एंड माइट मिस अनदर वन. हेल्प डेस्क को मैंने यहाँ पे टैग किया, और मैंने कहा कि काइंडली एड्रेस माई शिपमेंट ऑन प्रायोरिटी और इशू द डैमेजेस कॉस्ट ड्यू टू डिले, राइट. तो जैसे ही मैंने ये 2:31 PM को पोस्ट किया ऑन अप्रैल 22, 2022, मुझे इनका रिस्पॉन्स आता है ऑलमोस्ट जस्ट 2 आवर्स लेटर एट 4:32 PM, रिक्वेस्ट यू टू DM योर एयरवे बिल नंबर टू हेल्प डेस्क डिलीवरी एंड वी विल चेक दिस फॉर यू, राइट. तो मुझे इनका ये रिस्पॉन्स आता है, आई वॉज लाइक ऑल राइट फाइन, समबडी हैज़ रिस्पॉन्डेड बैक, कुछ तो हेल्प डेस्क है, शायद ये ट्विटर पे फोकस करते होंगे, तो इनका कोई रिस्पॉन्स आ गया. अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ट्विटर पे क्या हुआ. तो ट्विटर पे बेसिकली मैंने फिर इनको अपना जो स्क्रीन शॉट था, जो LR नंबर था, जो ट्रैकिंग ID थी, मैंने इनको ये मैसेज में डाल दी, इनको इमेज भेज दिया, और मैंने कहा कि यहाँ पर कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं हो रहे हैं. फिर इन्होंने कहा कि द शिपमेंट हैज़ रीच द फाइनल डिस्पैच सेंटर, वी विल कोऑर्डिनेट टू गेट इट डिलीवर्ड एट द अर्लीस्ट, एंड दिस इज ऑन 25th,
राइट। उसके बाद मैंने इनको बताया कि जो शिपमेंट था वो एक्चुअली 19 को डिलीवर होना था, सो आई वॉन्ट देम टू डिलीवर इट एसैप, राइट। एंड आफ्टर दिस दे जस्ट बेसिकली केम बैक टू मी ऑन द सेम डे, तो ये 6 PM तक मुझसे बात कर रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि वी अपोलोजाइज, वी हैव शेयर योर नंबर विद द डिलीवरी टीम एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिलीवरी टीम से मुझे कभी भी किसी ने आज तक एक कॉल नहीं किया है, एक रिस्पॉन्स नहीं किया है, एक मेल का रिस्पॉन्स नहीं किया। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ जो मेरी मेल एक्सचेंजेस हुई थी उनके साथ, राइट। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया उसी दिन कि आई'ड लाइक टू स्टार्ट अ मेल चेन, बिकॉज मैं चाहता था कि ये सब ट्विटर से बाहर एक मेल पर डिस्कस हो, ताकि ये सब लॉग हो अच्छे से और इसको बाद में एक एज अ केस देखा जा सके, राइट। बट इसके बाद इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग दैम अप अंटिल 25th of April, बट एज यू कैन सी इनका मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब क्योंकि इन्होंने कोई भी मेल थ्रेड चालू नहीं किया, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया टू कॉन्टैक्ट मी, आई हैड टू गो अहेड एंड ड्रॉप देम अ ईमेल। तो मैंने इनको 23 तारीख को ऑलमोस्ट 4 बजे शाम को मेल किया, और मैंने यहाँ पर जितने भी ईमेल एड्रेसेस थे मेरे पास और जो भी मैं गेस कर सका यूजिंग द लिंक्डइन यू नो रिसर्च, इनके फाउंडर्स के ईमेल एड्रेस, इनके डायरेक्टर्स के ईमेल एड्रेस को मैंने सबको टैग किया और मैंने मेल किया, राइट। इसके बाद ये मेल्स बाउंस नहीं हुए, ये मेल डेफिनेटली डिलीवर हुए एंड येट आई डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स। सो ऑन द सेम डे आई वेंट अहेड एंड आई बेसिकली मेड अ लिंक्डइन पोस्ट, और इस पोस्ट में मैंने डिलीवरी को टैग किया और मैंने इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, गौरव गोयल और विश्वजीत सिन्हा और इनके फाउंडर को भी मैंने टैग करने की कोशिश की थी, पर वो लिंक्डइन में टैग ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ये सारी टैगिंग की, मैंने ये सारा पोस्ट डाला, बट इसके बाद भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। ये ट्विटर पोस्ट, ये लिंक्डइन पोस्ट और ये जो वीडियो है, ये सब कुछ मैं नीचे लिंक कर दूंगा। आई होप आप सब इसे आगे शेयर करो, और अगर आप में से कोई भी डिलीवरी के लिए काम करते हैं तो इसे अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर करो, ताकि आपको पता चले कि यार एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है जो एक कंपनी के बाहर वाला इंसान आपको बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद क्योंकि मेरे पास ईमेल पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने अगले दिन फिर से इनको 24 घंटे बाद फिर से मैसेज किया, और मैंने यहाँ पर सीईओ को भी मार्क कर दिया था, और मैंने यहाँ पर ये लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर पोस्ट सब कुछ मार्क करके मैंने ये कह दिया कि अब मैं एक यूट्यूब वीडियो बना कर भी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट योर ब्रांड टू बी प्रोटेक्टेड, सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक। इसके बावजूद इनसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तब मैंने जाकर इनके एक सीनियर डायरेक्टर ऑफ डिलीवरी को डिस्कवर किया ऑन लिंक्डइन, जिसका नाम है विश्वजीत सिन्हा, और मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा एक मैसेज डालकर, राइट। तो मैंने इनको मैसेज भेजा था कुछ इस तरीके से, हेलो विश्वजीत, होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन help regarding my issue with delivery shipment. This is critical. I've not been able to get in touch with a single person from delivery to assist me, and that's absolutely concerning for me as a customer. Every day for the past 4 days, my delivery date is being updated on the tracker with no real evidence of what's going on. Please respond / get me connected to the right person or team, right? इन्होंने मेरा connection request अगले दिन accept कर लिया, और इन्होंने respond भी किया मुझे और लिखा कि hi, sorry for your bad experiences you have to go through. I have escalated this internally to the highest authorities and can see that internal follow-ups are being done. मतलब इन्होंने ये नॉलेज किया कि इनके पास मेरा मेल पहुंच चुका था, इन्होंने और भी अंदर कोई मेल थ्रेड चालू कर रखे थे, बट उसके बावजूद किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया टू कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ब्ला 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 ब्ला। देन आई हैड टू रिस्पॉन्ड बैक, आई वुड लाइक एन अपडेट ऑन दिस टुडे, वी हैव ड्रॉप्ड ओवर 3 emails मार्किंग योर टीम्स एंड हैवंट हर्ड बैक एनी एक्नॉलेजमेंट, वी नीड दिस डिलीवर टुडे, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर फर्दर डिले इफ इट्स ऑलरेडी इन द सिटी विच इज मुंबई, राइट। तो इनके हिसाब से मेरा शिपमेंट ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुका था, बट इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से मुझे ये पता चला कि मेरा जो शिपमेंट था 72 कार्टन्स का, वो उन्होंने 2 अलग अलग ट्रक में स्प्लिट करके खुद से ही भेज दिया। एक कार्टन में कुछ 50 यूनिट्स गए, एक कार्टन में कुछ 17 यूनिट्स गए, इस तरीके से उन्होंने पूरा ये शिपमेंट को स्प्लिट करके अलग अलग तरीके से भेज दिया, एंड देयरफॉर दिस एंटायर केओस स्टार्टेड, राइट। एंड आफ्टर दिस आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम दिस गाय विश्वजीत सिन्हा, और नोबडी रिस्पॉन्डेड बैक टू मी ऑन द ईमेल। उसके बाद मैंने इनको फिर से उसी दिन एक और मेल ड्रॉप किया, मैंने लिखा कि हे डिलीवरी फोक्स, स्टिल नो रिस्पॉन्स, आर यू अ रियल कंपनी, आई वुड लाइक एन अपडेट ऑन दिस टुडे, वी हैव ड्रॉप्ड ओवर 3 mails मार्किंग योर टीम्स एंड हैवंट हर्ड बैक एनी एक्नॉलेजमेंट, वी नीड दिस डिलीवर्ड टुडे, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर फर्दर डिले, राइट। तो मैंने वो सेम मैसेज उठाकर मेल में ड्रॉप कर दिया, सबको मार्क कर दिया इंक्लूडिंग विश्वजीत, एंड आई स्टिल डिड नॉट हियर एनी एक्नॉलेजमेंट। मतलब
मतलब ये ईमेल पे ये भी रिस्पॉन्स करके नहीं बता रहे थे कि यार इनको मेल पहुंच चुका है और ये केस के अंदर देख रहे हैं और इसे सॉल्व करने में कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। बेसिकली एज अ कस्टमर आई हैड जीरो आइडिया एंड जीरो फेथ कि अंदर ये कुछ भी कर रहे हैं एंड दे आर ट्रीटिंग माई केस विथ एनी सॉर्ट ऑफ सीरियसनेस। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बार बार जाकर मैं इनका जो ट्रैकर है वो चेक कर रहा था और वहां पर देख रहा था कि क्या डिलीवरी डेट है, क्या डिलीवरी डेट है, और आई थिंक इनका ये डिलीवरी का ट्रैकर जो है ये बड़ा ऑटोमेटेड है और हर दिन ये ऑटोमेटिकली एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट एक दिन आगे बढ़ा देता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और नीचे यहां पर कोई अपडेट कभी भी नहीं आ रही थी। आफ्टर दिस फाइनली ऑन द 25th आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद अ इंडिविजुअल नेम्ड भगवान जिनके पास मेरे शिपमेंट का पूरा अथॉरिटी था टू गेट इट डिलीवर्ड फाइनली टू द फाइनल डेस्टिनेशन, और ये है किसी दूसरे कंपनी से, बिकॉज डिलीवरी ने रिसेंटली मुंबई में कुछ कंपनीज को एग्रीगेट कर लिया है, बाई कर लिया है टू एक्सपैंड देयर सर्विसेज, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी समथिंग सुपर सुपर शॉकिंग, विच इज़ कि डिलीवरी को इस इतने बड़े ऑर्डर्स और कंसाइनमेंट हैंडल करना नहीं आता है, स्पेशली इफ इट्स गोइंग टू द पोर्ट एंड येट दे हैव टेकन योर ऑर्डर एंड देयर फोर इट इज़ अ वेरी बिग मेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, राइट। और उनको ये पता था कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बेसिकली वेट कर रहे थे कि उनके पास कोई अपडेट आए। उन्होंने डिलीवरी टीम्स को अंदर इंटरनली बहुत सारे मेल्स भी भेजे बट इंटरनल टीम से भी उनके पास कोई अपडेट नहीं आ रहा था एंड देवर ट्रीटिंग देयर ओन टीम एज अ फॉरन पर्सन, राइट। मतलब इतना इतना इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सालों से चल रही है, इतने सारा टेक्नोलॉजी बिल्ड किया इन्होंने, उसके बाद भी अंदर कोई सीरियसली काम नहीं कर रहा है टू एक्चुअली गेट द स्टफ डन, टू एक्चुअली गेट द कस्टमर्स प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इफ इट्स सच अ बिग शिपमेंट। इसके बाद फाइनली 26 तारीख को मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। इस अब तक मैंने ऑलरेडी दो शिप्स मिस कर दी थी और अब मेरी नेक्स्ट शिप है जो है 5th of May को, यानी कि 21 तारीख से लेकर 5th मई तक हमारा प्रोडक्ट्स अब इंडिया में ही फंस गया। ऑलमोस्ट 12 से 13 दिन निकल गए हैं और 12 से 13 दिन ओशन शिपमेंट में डिले हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा डिले, बिकॉज ऑलरेडी फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका अमेजॉन वेयर हाउस ऑलमोस्ट 50 से लेकर 55 दिन लगेंगे मेरे प्रोडक्ट्स को वहाँ पहुँचने में, उसके बाद ही मैं इन प्रोडक्ट्स को फिर सेल कर पाऊँगा, राइट। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि डिलीवरी ने मेरे शिपमेंट को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, उन्हें लगा कि यार एक ऑर्डर है, देखा जाएगा, कर लेते हैं मैनेज, बट आई थिंक द पीपल हु आर वर्किंग एट डिलीवरी दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, अबाउट देयर ब्रांड, अबाउट कस्टमर सपोर्ट, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विद। आज के बाद मैं कभी भी डिलीवरी के साथ कभी भी काम नहीं करूँगा, आई वुड रादर हायर माई ओन ट्रक एंड गेट माई गुड्स डिलीवर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई और वेर एवर इट इज़, एंड हो सकता है कि मैं खुद भी ट्रैवल कर ले आऊँ, बट मैं डिलीवरी को कभी यूज़ नहीं करूँगा। एंड आज डिलीवरी को ये पता चलेगा कि कैसे एक वीडियो से उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी प्लानिंग फॉर द IPO एंड डूइंग देयर IPO, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो बहुत ही ऊपर जाएगा, हो सकता है जाए, बट डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ एक हाथ करोड़ का उनका नुकसान तो हो जाएगा, बिकॉज आप में से जो भी सेंसिबल कस्टमर्स हैं वो भी पहले ये वीडियो देखेंगे और ये समझेंगे कि ये भी आपके साथ हो सकता है। सो इफ यू हैव अ वेरी बिग ऑर्डर विच इज़ क्रिटिकल एंड इफ इट्स गोइंग टू द पोर्ट, आई डू नॉट थिंक यू शुड यूज़ डिलीवरी at least now, maybe 2-3 years later this changes, but right now I don't think delivery is the right company for you to use for your ocean shipments. If you have faced any such problems with delivery, नीचे comment करके अच्छा सा एक thread बना दो ताकि ये video थोड़ा सा ऊपर जाए और सबको पता चले कि यार delivery के actual reviews कैसे हैं, because I think they are manipulating it and I think their ये जो इनका marketing banner है which is zero stress एंड एंड टू एंड विजिबिलिटी, ये एकदम फेक है और ये फेक एडवर्टीजमेंट्स करना ब्रांड को बंद करना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल फॉर यू एंड आई होप इससे किसी ना किसी का फ़ायदा होगा, और आई होप आप अपने ओशन शिपमेंट्स या फिर किसी भी बड़े शिप कंसाइनमेंट को डिलीवरी के साथ भेजने से पहले 10 बार सोचोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर दिस सो दैट सबकी आंखें खुल जाए और एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ वो मैं बाहर डाल दूँ, बाकी सब आपके हाथ में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।